स्वागत है आपका मायापुरी कच पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहाँ पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। अल्लू अर्जुन साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। एक्टर अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। हाल ही में जब उन्हें पता चला कि उनके एक फैन के पिता की तबीयत खराब है तो अल्लू से रहा नहीं गया, उन्होंने उस फैन के पिता के इलाज का पूरा जिम्मा उठा लिया। एक फैन पेज ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है और अल्लू को इस हेल्पिंग नेचर के लिए थैंक्स कहा है। राणा दग्गुबाती साउथ के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मों में काम किया है। राणा इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक बिजनेसमैन ने उनके और उनके पिता के खिलाफ जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट्स के माने तो एक्टर और उनके पिता पर ये आरोप हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने लगा दिया है, जिसका नाम प्रमोद कुमार है। ये मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार राणा और उनके पिता पर गुंडों की सहायता से धमकी देकर जमीन खाली करवाने का आरोप लगा है। साउथ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतरा लोगों को खूब पसंद आई थी। रिलीज के बाद लोगों के बीच इस फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिला था। इस वजह से फिल्म ने ना सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी भाषा में भी तगड़ा कलेक्शन किया था। इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था। इस फिल्म को देखने वालों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अब शामिल हो गए हैं। अमित शाह ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने भी इस फिल्म को देखा है। अमित शाह ने कहा कि धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं दक्षिणी कन्नड़ा के जिले के अंदर पाई जाती हैं। अभी अभी उन्होंने कांतरा देखी है और कांतरा देखकर उन्हें मालूम पड़ा कि प्रदेश कितनी समृद्ध परंपराओं का है। आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 7 मेडल्स जीतकर अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। बेटे की इस बड़ी उपलब्धि से आर माधवन गदगद हैं। उन्होंने कई ट्वीट के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया है। वेदांत ने मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। बताते चले कि शाहरुख खान और नयनतारा फिल्म जवान में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस वीडियो में नयनतारा अपने को-स्टार शाहरुख खान को गुड बाय करती नजर आ रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान नयनतारा के घर जाकर उनके जुड़वा बच्चों से मिले थे। पंजाबी एक्ट्रेस सगुन मेहता अपनी फिल्मों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं और अपने हस्बैंड रवि दुबे के साथ उनकी केमिस्ट्री भी हमेशा खबरों का हिस्सा बनी रहती है। वहीं एक बार फिर सगुन ने रवि के साथ एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। शेयर किए हुए वीडियो में दोनों एक्ट्रेस ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। उनका ये क्यूट क्यूट वीडियो फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है। बॉलीवुड और पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की फैन फॉलोइंग भी एक अलग लेवल की है। अब दिलजीत चाहे गाना गाएं या फिल्मों में एक्टिंग करें, फैंस हमेशा उनकी जमकर तारीफ करते हैं। वहीं रिसेंटली दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। देखने से ये वीडियो किसी गांव का लगता है, जहां दिलजीत बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते और एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ये विलेज लाइफ वाला वीडियो देख अब फैंस काफी खुश हैं। ब्यूटीफुल भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस का लुक हमेशा लाइमलाइट में रहता है। वहीं एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अक्षरा ने एक फोटो शेयर की है। पिक्चर में एक्ट्रेस एक स्टाइलिश सिल्वर आउटफिट में काफी स्टनिंग लग रही है। अब उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे की सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।